ऑफिस की मीटिंग है, ऑफिस की मीटिंग में कोई अकेली लड़की आने वाली हो। तुम्हें कैसे पता अकेली लड़की आ रही है? कॉलीग है साथ में, उसका भी रूम बुक हो रखा था। तुम ऐसे इतना मतलब मेरे से कह रहा हूँ ऑफिस में रूम है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर प्रैंक वीडियो। और फ्रेंड्स सबसे पहले सॉरी, 2-3 दिन हो गए थे मैं प्रैंक वीडियो नहीं बना पाया था कुछ रीजंस की वजह से। एक्चुअली हम लोग बाहर गए हुए थे और कुछ इमरजेंसी रीजंस हो गए थे, इसलिए मैं नहीं बना पाया। बट आ गया हूँ मैं वापस एक नया प्रैंक वीडियो लेकर, और एज यूजुअल मेरी शिकार है मेरी बीवी विभा। तो फ्रेंड्स आज मैं उसके ऊपर एक खतरनाक सा प्रैंक करने वाला हूँ। टाइटल में आपको पता चल ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसको परेशान खूब करूँगा। तो फ्रेंड्स स्ट्रेट अवे चलते हैं प्रैंक वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम फिर से नए प्रैंक वीडियोज़ लेकर आपके पास आएंगे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी करे प्रैंक में चलते हैं। चलिए कैमरा सेट है, चलिए। अंकित तुम्हारा फोन आ रहा है, अंकित फोन आ रहा है आपका। हेलो हेलो हाँ हेलो सॉरी किससे? सॉरी अभी तो वो थोड़ा सा बिजी हैं। किस रिगार्डिंग आपको बात करनी है उनसे आप मुझे बता सकते हैं? मैम मेरा नाम शशांक है, मैं ओयो रूम से बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? ओयो रूम से मैम। अच्छा हाँ जी मैम, उनकी आपसे भी बुकिंग थी तो वो कॉन्फर्मेशन कॉल कर रहा था। सॉरी किस चीज की बुकिंग थी? एक मिनट सॉरी। आपने किसका नाम लिया? आपने भावेश का नाम लिया? जी मैम एक बुकिंग है आज, भावेश पंत एंड सोनिया जी, सोनिया मैम। अच्छा उनकी आगे बुकिंग है मैम आज रात की, अभी तक उनका चेक इन नहीं हुआ है तो कॉन्फर्मेशन कॉल थी। पेमेंट तो एडवांस उन्होंने कर दी थी, लेकिन पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन आधार नहीं आए थे ना, आधार कार्ड या पासपोर्ट कुछ एक चाहिए होता है, तो पिछली बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हम उनको रिमाइंड कर रहे थे कि इस बार प्लीज आइएगा। सर लेकिन आप कंफर्म है ना कि भावेश नाम है? मतलब आप ऐसा तो नहीं है किसी और नाम से है और आप किसी और का नाम ले रहे हो? मतलब कंफर्म है ना भावेश? ये नंबर दिया है और नाम भावेश पंत है, वो पहले भी आए हैं, हमें कंफर्म है मैम। और सर लड़की का नाम क्या बताया आपने? वो सोनिया मैम है, सोनिया जी कोई। ओके अच्छा ठीक है, मैं तो सर आप मतलब आप उनको जानते हैं? मतलब आप मतलब आपको पता है? मैनेजर हूँ, ऑनलाइन बुकिंग आती है ना मेरे पास। हाँ जी हाँ जी आए तो मैं उनको जानता हूँ। पहले कितने बार आए हुए हैं? सर मैं बस ऐसे आपसे एक वो करना चाहती हूँ कि कितने बार आए हुए हैं आपके रूम पे? पहले भी आए हैं ना, हम ऐसे वो डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एक बार आप हमारी बात करवा दीजिएगा, अगर नहीं तो उनको बता दीजिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, वेलकम। भावेश हाँ? आपका कॉल आ रखा है, तो रुको जरा सबर करो। यस 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 यू कॉल्ड मी, आपने बुलाया मुझे। आपका फोन आया था।
फोन आया तो वहां कहां फेंकी आपने, तो किसका आया भाई? उसी का आया था जहां तुमने रूम बुक कर रखा है, उसी का फोन आया था। रूम बुक कर रखा? हाँ, तो मेरी ऑफिस की मीटिंग है, मैंने बताया तो था तुम्हें। ज्यादा बनो मत, सच बता रही, इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी, इतना तोड़ूंगी कि फतोड़ फतोड़ लाड़ कर दूंगी। हाँ, मेरी ऑफिस की मीटिंग है, ऑफिस की मीटिंग में कोई अकेली लड़की आने वाली हो? तुम्हें कैसे पता अकेली लड़की आ रही है? उस लड़के से बात हुई है, मैं तुम्हारी अभी बात करा दूंगी फिर से, ठीक है? उसने मुझसे बोला कि आप, किसका फोन आया? शशांक करके, जो होटल का वहां का जो भी है उसका, वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट का जो भी है। क्यों, ये तो मेरा, अरे तो मेरा ऑफिस का है भैया, मेरे तुम बता। खाली तुम मेरे से, फिर मेरे से वो मत करो, मेरे से ड्रामे मत करो, ये ऑफिस का है वो करके, ऑफिस का ऑफिस के, उसमें तुम कपल रूम बुक करोगे वहाँ? तुम खाली मेरे को बेवकूफ समझते हो? अरे उसने बोल दिया होगा यार, मुझे क्या पता, घर में रहती हूँ मैं, सब काम करती हूँ, थोड़ा मैं बेवकूफ हूँ? तुम कैसी बातें कर रही हो यार विभा, तुम मेरे पे विश्वास ही करती हो क्या? विश्वास, तुम जैसे आदमियों पे विश्वास हो गया तो हो गया। मतलब किसी थर्ड पर्सन ने तुमसे कुछ कहा, तुमने मान लिया क्या? थर्ड पर्सन ने कहा, उसने मुझसे साफ साफ कहा कि तुम्हारा आईडी कार्ड लेके आना, सर मेरे वहाँ एक दो बार ऑलरेडी आ चुके हैं, लास्ट टाइम मैम का आईडी इशू हो गया था, ये हो गया था, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे साथ कितने कॉलीग्स हैं, मेरे साथ एक थोड़ना है। अब अगर सपोज ठीक है, सोनिया भी मेरी एक कॉलीग है, तुम जानती तो, अगर ना मुझे खाली बिकाने, मेरे को वो मत करो, ठीक है? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा करो ना, मैं यहाँ चले जाती हूँ, तुम्हें घर को और रूम बना दो, ऐसा करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं गौरांश को लेके जा रही हूँ। अरे तुम क्यों गुस्सा कर रही हो फालतू में? तुम मेरी बात, मेरी बात ठंडे दिमाग सुनो, मैं तुम्हें समझा दूँ, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम जैसे इंसान, तुम जैसे ही होते हैं, सारे आदमी तुम जैसे होते हैं। अरे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम गलत समझ रही हो। मैं अपना बैग लेके, अरे तुम गलत, अभी गुरांश को लेके यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें जिस लड़की के संग रहना है, जिसके संग ओयो रूम में रहना है, जिसके संग कहीं रहना है, तुम जाके रहो वहाँ। बबू तुम्हें गलत फहमी हो रही है, तुम्हें सच में गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो मुझसे, मैंने उसे समझाता, बैठो तो सही, बैठो बैठो बैठो, मैं समझा रहा हूँ। मैंने उस आदमी से कंफर्म किया, मैं अब किसका नाम ले रहा हूँ, भावेश का नाम ले रहा हूँ, आप मेरे को कंफर्म। अरे तो वो कहेगा ही ना, मेरी बात सुनो, ऑफिस कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी नाम हो जाता है। मैंने तो क्या पता किसी गलत इंसान का फोन आया होगा, उसने मेरे को एग्जैक्टली बोला भावेश मत, और मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि वो ऑलरेडी एक दो बार आए हुए हैं मेरे वहां पर। अरे तो मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, ठीक है मेरी बात, मेरा मुझे बोलने का मौका तो दे दो, मैं भी तो समझा। तुम्हारी वो कह रहा था, तुम्हारा आधार कार्ड वहीं छूटा हुआ है, तुम लास्ट टाइम गए थे जब, अभी जो परसों तुम गए थे ना अपनी ऑफिस मीटिंग के आगे, फिर से मतलब तुम ऑफिस मीटिंग के आगे घर से जाते हो, मैं बेवकूफ हूँ कितना, घर से सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और तुम यहाँ से मेरे पीछे ऐसा काम कर रहे हो? अरे मेरी बात मतलब सुनो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है यार। अरे गलत फहमी नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मेरी बात हाँ तुम्हें बता, मेरी बात सुन लो, इतना रैश डिसीजन नहीं लेते, मेरी बात तो सुन लो, मैं ऐसे थोड़ा ना तुम्हारा, मैं ऐसे थोड़ा ना तुम्हें धोखा दूंगा, ऐसा ऑफिस ऐसे ही देते हैं आदमी धोखा। अरे ऑफिस की मीटिंग हो रही है, अपनी वाइफ को बता के धोखा नहीं देता, वो एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर ऐसे ही होते हैं। क्यों करूंगा, मुझे क्या करना है, मेरी बात तो सुन लो, मेरा ऑफिस है, ऑफिस में मीटिंग होती है तो रूम बुक होते हैं, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात सुन चुकी हूं, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, तुम्हारी बात सुन, इतना बड़ा मेरे सामने सब प्रूव हो गया, मेरे सामने मुझे कॉल आ रहा, उसके बाद मैं तुम पे विश्वास करूं? मतलब पहले तो मेरी कॉल तुम उठाती क्यों, और तुम्हें अगर तभी तो यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें को तभी तो अपने फोन को चेक नहीं करने देते, यही तो बोलते मेरा फोन क्यों देखा, मेरा यही क्यों देखा, वो तो अपनी बाय मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो यार, मेरी बात समझो। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, ठीक है, मैंने सही सोचा है। अरे मैं कोई गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं बेवकूफों की तरह यहाँ दिन रात लगे रहती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे वो करती हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा करोगे? अरे मेरी नहीं, मेरी बात सुनो यार विभा, तुम गलत सोच समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, समझ में आई तुम्हें? मेरी बात सुनो, तुम आराम से पहले तुम आराम से टेंशन फ्री होकर बैठो, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऑफिस के लोग होते, कॉलीग है साथ में, उसका भी रूम बुक हो रखा, तो तुम्हें ऐसे इतना तो चोरी पकड़ी गई है, अब तो तुम मना करोगे भाई, अब तुम्हें मना करना तो बनता है, क्योंकि अब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है, अब तुम उससे कहोगे भाई आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बीवी ने मेरी चोरी पकड़ ली है, मेरा ओयो रूम पकड़ लिया है, तो क्या हो? तुम ऐसा करो, घर को ओयो रूम बना लो, मैं जा रही हूं यहां से, ओयो रूम यार, तुम्हें ओयो रूम कर, तुम्हें मैंने सुबह तुम्हें मैं अभी उस बंदे को फोन कर लेती हूं, वापस वो बता देगा ओयो रूम कर रखा था कौन सा। सुनो, ये फोन करके घर बर्बाद करते हैं, सुनो मेरी घर बर्बाद करते हैं घर, तुम जैसे लोग बर्बाद करते हैं,
सुनो तुम गलत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कैसे प्रूफ करूं? मैं ना मैं ऑफिस मैं जाऊंगा नहीं मीटिंग में। तुम्हारे आज परसों जो मीटिंग में गए थे, परसों वाली मीटिंग में मीटिंग का क्या? अरे आज की मीटिंग तो तुम कर लोगे, आज की मीटिंग तुमने कैंसिल कर, परसों वाली मीटिंग का क्या? अरे तो मीटिंग परसों वाली ऑफिस की मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग थी। तुम परसों भी ऑफिस, परसों वाली ऑफिस की मीटिंग थी। अब होटल में जाऊंगा तो आईडी तो ले जानी पड़ेगी ना, कोई भी ऑफिस में जाऊं क्या? ऐसा कुछ नहीं करते, मेरी बात सुनो। तुम्हें ना बबू गलतफहमी हो गई, मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है मुझे। मतलब तुम्हें लगता है मैं बहरी नहीं हूँ, ठीक है? अभी तक बहरी थी, जो घर में बैठी तुम्हारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, मेरी आंखें खुल गई फोन से। मतलब एक फोन से तुम्हारे मेरे पर विश्वास हट गया? हाँ बिल्कुल हट गया, बिल्कुल हट गया। ठीक है फिर देख लेना। हाँ बिल्कुल, तुम सोच दो तुम गलत कर रही हो विभा। बिल्कुल मैं जा रही हूँ, मैंने अपना सामान भी पैक कर रही, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ठीक है मैं अपने गौरांश के साथ रहूंगा। कैसे रहोगे गौरांश के साथ? तुम रहो सोनिया के साथ, तुम सोनिया के साथ, तुम उसी को डिजर्व करते हो, जाओ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मतलब ऐसी बात कर रही हूँ मैं ना, मैं सीरियस, गौरांश मेरे साथ रहेगा और मैं उसको बता दूंगा कि उसकी माँ को प्रैंक भी समझ में नहीं आता, तो मैं पक्का उसको बताऊंगा ये प्रैंक था और मैं गौरांश कहूंगा जब तुम प्रैंक का बहाना मत करो, मेरे को साफ फोन आया हुआ है, ठीक है? अब प्रैंक का बहाना मुझे मत करो, पता है शशांक ने कॉल करा है, मुझे पता है भैया कि कॉल आया है। तुम जब अंकित अंकित कह रही थी मैं नहीं आया, मैं जानबूझ के नहीं आया, तुम उस कॉल में नंबर में दोबारा कॉल करो, कॉल करो, जानो मैंने उससे कहा था कॉल करो, करो। मैं कहूंगा ही नहीं, चलो कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम उससे फोन करके बात कर लो। प्रैंक था भाई, हमने दो तीन दिन से प्रैंक नहीं करा था, तो मैं सोचा था तुम्हारे पर क्या प्रैंक करूं, मुझे कहीं नहीं जाना है भाई, आईडी मेरी है। और जो परसों गए थे आईडी यही है, उससे कहा ना आईडी मेरी इशू हो गया था, आईडी मैं भी आईडी दिखाता हूं तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। अभी उसको फोन करके हम दोनों फोन करते, देखो वहां पर मैंने कैमरा भी लगा रखा है सिर्फ इसीलिए, देखो वहां पर कैमरा ही लगा रखा है पर्दे के पीछे, ठीक है? तो टेंशन मत लो यार, मैं ऐसे थोड़ा कहीं जाऊंगा, कहीं थोड़ा जाऊंगा, मैं सीरियसली मीटिंग पे जाता अगर जाता तो यार, और अगर वैसे भी जाता तो मैं तो लेकर नहीं जाता तो क्यों? अरे यार बॉय गॉड, गुस्सा सारा सामान निकाल रही हो, अंकित हट जाओ यार मेरे सामने। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फ्रेंड करो यार मेरे से। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये प्रैंक? और फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये प्रैंक? पहले हाथ पकड़ लेता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और गुस्सा मत हो यार, मैं कहीं नहीं जा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। फ्रेंड्स मैं आइसक्रीम खिला के आता हूँ, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट प्रैंक वीडियो, बाय बाय।